चलेंगे, बच्चों से बात आगे बढ़ाएंगे। 2015 में आप जब शोबिज इंडस्ट्री में आई, 2015 में मुझे याद नहीं है। मुझे याद है। अच्छा, मैं शुरू से आपको, जब मुझे पैदा होने का मंजर याद है तो मुझे आपका डेब्यू याद नहीं होगा। आप भूल जाएं। मैं नहीं भूलूंगा। आप 2015 में जब शोबिज में आई, पढ़ भी रही थी? हाँ, मैं पढ़ रही थी। लॉ कर रही थी, LLB कर रही थी। पाकिस्तान से कर रही थी? जी, पाकिस्तान। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MBAs, लॉयर्स, ये सब लोग जो हैं वो टीवी पे आ रहे हैं काम करने, क्या वाकई इसमें इतना पैसा है? पैसा, मुझे ऐसा लगता है पैसा तो आप किसी भी फील्ड में जाएं, जो किस्मत में लिखा है पैसा वही मिलना है। बड़ी बात कर गई आप, बहुत बड़ी। ऐसी बात, शो खत्म कर दो, लाइटें बंद कर दो। पैसा तो आप किस्मत का खेल है ऐसा। अच्छा, सही है भाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाकी किस्मत जहां आपको ले जाती है, बहुत सारे लॉयर्स हैं वो नहीं है एक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, उनकी किस्मत उनको उधर ले गई, मेरी किस्मत मुझे इधर ले आई, तो ये सब किस्मत के खेल हैं। मैं आगे चलूंगा, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मरियम सिर्फ ये नहीं कि खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, अच्छी एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बल्कि अभी नई नई दुल्हन बनी है, 4 दिन हुए हैं शादी को, आज चौथी है, समझ लें इनकी हंसना मनाए हुए हैं, ताली। भाई ऐसा है मरियम, क्या आपको ये डर था कि आपको हंसना मनाए में आना है, मेरे सामने बैठो तो शादी करके जाऊंगी मैं? आपने मुझे शादी के बाद बुलाया, मेरा क्या कसूर है, मैं तो पहले से भी इंतजार करी थी कि आप बुला लें। अच्छा, शादी हो गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कन्वेंशनल शादी हुई या आजकल के जमाने की तरह नो रस्म नो ये, बस ठक निकाह, फक रुखसती? नहीं, प्रॉपर अच्छे तरीके रस्में हुई। रस्में हुई, वो वाली रस्में, पान रख के मेहंदी लगाने वाली, वो भी हुई। इस रस्म का क्या मतलब? अच्छा, अब मैं बताती हूँ, इस ये जो रस्म है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही मैं चाहती थी ये रस्म हो, लेकिन आपके अगर बड़े बूढ़े कह दें कि यार अब मेहंदी कर ही रहे हैं तो ये भी कर लो, तो किसी का दिल क्या दुखाना, जबकि हमारी कोई इस्लामिक रस्म नहीं है, मेहंदी ही हमारी रस्म नहीं है, सब कॉन्टिनेंटल कल्चर है। अब एक निकाह और एक वलीमा जो कि हमारा एक्चुअल में है इस्लामी लिहाज से, बाकी नहीं, तो एक निकाह नहीं, 4 निकाह और एक वलीमा, बाकी जो रस्में हैं या इवेंट्स हैं वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो आपकी खुशी है, जैसे आप सालगिरह मनाते हैं वैसे आपने मेहंदी कर ली, इस पे किसी को जज करना या कहना मेहंदी क्यों करे यार, हमारा खानदान है, हम खुश हो रहे हैं, होने दो। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि ये जो रस्में होती हैं, मेहंदी रख के बैठे हुए, अब मैं नहीं रख पाया ये मेहंदी, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा, अब हुआ ये कि वो हमारे बहनों की जब मेहंदी हो रही थी तो उनका हाथ थक गया, तो उनके दोस्त ने ना पीछे से अपना हाथ यूं डाल दिया। आपको बताती हूँ, होता ये है कि मैंने सबको कहा कि यार ये कोई हमारी रस्म नहीं होती, नहीं करते, मेरे कान में किसी ने आके कहा पैसे इकट्ठे होंगे, मैं कहा बुलाओ बुलाओ भाई, पैसे मिलते हैं, आ रहे हैं, आने दो। अच्छा, दूल्हा तो पागल हुआ हुआ होता है, वो तो उससे तो पैसे लूटे जा रहे होते, गाड़ी से नहीं उतरने देते। हाँ जी, गाड़ी से नहीं उतरने देते, फिर दरवाजे के अंदर नहीं आने देते, फिर अंदर कमरे के नहीं जाने देते, मैं तो गुस्से में आ गया था, मैंने तो शादी की क्यों है भाई, क्या प्रॉब्लम, अगर इतना ही मुझे रोकना था तो मत करते, मत कर दे। गाड़ी से नहीं उतरने, हालात खराब है क्या, क्यों नहीं उतरने दे रहे गाड़ी से, इतनी रस्में होती हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती ये रस्में। तो आप लड़के इस पे एहतजाज करें, एक शो करें आप इस पे कि क्यों करते हैं इतनी लड़कों की रस्में, रस्में मनाएं, रस्में मनाएं, मैं इस तरह का शो करूंगा, रस्में मनाए के बाद रस्में मनाएं, जितने दूल्हे हैं दुनिया के बुलाएं सारों को और पूछें कौन कौन सी रस्में हुई। मैं कहती हूँ इस पे PhD करें। अच्छा, मैंने देखा आपकी शादी में वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा? वो आपकी सहेलियां आपके हस्बैंड की शायद उंगली पकड़ाई की रस्म थी, नहीं दूध पिलाई वाली रस्म, दूध पिलाई वाली रस्म थी। आपकी सिस्टर ने पैसे मांगे तो आपने अपने हस्बैंड को कहा दे दो वरना जाओ, अगर चले जाते तो? ऐसे थोड़ी चले जाते, इतनी अच्छी दुल्हन छोड़ के चले जाते। मैं तो जब मेरी उंगली पकड़ी मैंने कहा ले जाओ ये, चाहिए ही नहीं, छोटी उंगली पकड़ के बैठ गए, मैंने कहा चाहिए ही नहीं, जाओ जाओ जाओ, बाहर जाऊंगा, 5 रुपए का काम है ये, मैं आपको 50,000 दे दूं।